हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रैसल अलर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं हर पेपर व्यू में आप सबके लिए एक थिंग लेकर आता हूं और वो ये है कि आप सबको अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट करके बतानी है और जिसकी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा सही होगी उसकी नेम मैं सर्वाइवर सीरीज के बाद वाली वीडियो में फीचर करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको थोड़ी बहुत तो आइडिया मिल ही जाएगी। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, अब WWE को जितनी भी हाइप क्रिएट करनी थी सर्वाइवर सीरीज 2019 के लिए उन्होंने कर लिया रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड में। और कह सकते हैं इस स्मैकडाउन के एक खतरनाक ब्रॉल के बाद हम सब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज 2019 के लिए। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि लास्ट बैटिंग ऑड्स एंड मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन विनर रह सकता है सर्वाइवर सीरीज 2019 के मैचेस में। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने फर्स्ट मैच से, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एजे स्टाइल्स वर्सेस नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंस्के नाकामुरा के बीच। अब बात की जाए इस मैच में बैटिंग ऑड्स की, देन बैटिंग ऑड्स में सबसे ज्यादा चांसेस है कि इस मैच में जीत होने वाली है एजे स्टाइल्स की, उसके बाद शिंस्के नाकामुरा की एंड देन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की। बट बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मैं यहाँ से चुनता हूँ शिंस्के नाकामुरा को। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शिंस्के नाकामुरा ने या कहे WWE ने इस स्मैकडाउन में एक ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिवील किया, इसलिए हो सकता है उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए WWE यहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंस्के नाकामुरा को जिता दे। इसके अलावा बात करें अपने दूसरे मैच के बारे में, देन वो हमें देखने को मिलने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच वर्सेस NXT वुमेन्स चैंपियन शायना बेज़लर वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेली के बीच। और बात की जाए इस मैच की बैटिंग ऑड्स की, देन इस ट्रिपल थ्रेट मैच में सबसे ज्यादा चांसेस है जीत होगी शायना बेज़लर की, उसके बाद बेकी लिंच की एंड सबसे कम चांसेस है बेली की। और बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मैं यहां से चुनता हूं कि इस ट्रिपल थ्रेट मैच में जीत होगी NXT वुमेन्स चैंपियन शायना बेज़लर की। अब मैं यहां गलत भी हो सकता हूं क्योंकि इस मैच में बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, देन वो भी हमें एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियन वाइकिंग रेडर्स वर्सेस NXT टैग टीम चैंपियन द अनडिस्प्यूटेड एरा वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द न्यू डे के बीच। और बात की जाए इस मैच की बैटिंग ऑड्स की, देन यहां पर बैटिंग ऑड्स में सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहां पर जीत होगी वाइकिंग रेडर्स की, उसके बाद द अनडिस्प्यूटेड एरा की एंड सबसे कम चांसेस है इस मैच को जीतने के द न्यू डे की। बट बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मैं यहां पर बैटिंग ऑड्स के साथ जाना चाहूंगा, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में जीत होने वाली है वाइकिंग रेडर्स की, क्योंकि हम सब देख ही रहे WWE इन दोनों को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक कर रही है। बट जैसा कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है, जरूरी नहीं है कि इस मैच में वाइकिंग रेडर्स ही पिन होंगे, इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार यहां पर वाइकिंग रेडर्स की जीत होती है या फिर किसी और की। इसके अलावा बात करें अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, देन वो हमें देखने को मिलने वाला है वुमेन्स सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि होगा रॉ वर्सेस NXT वर्सेस स्मैकडाउन के बीच, जहां पर रॉ में है कैप्टन शार्लेट फ्लेयर, आस्का, कायरी सेन, नटालिया एंड सारा लोगन। इसके अलावा स्मैकडाउन में है साशा बैंक्स जो कि एक कैप्टन, इसके अलावा लेसी एवेंस, कार्मेला, डैना ब्रूक एंड निक्की क्रॉस। NXT की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अभी NXT की कैप्टन जो कि होने वाली है रिया रिपली, वही रिवील हुई है, इसलिए अब देखना होगा कि बाकी बची टीम कौन कौन होती है। बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्मैकडाउन में जो टीम रिया रिपली लेके आए थे, यानी कि टोनी स्टॉर्म और बाकी सब मेंबर्स जो थे, वही हमें देखने को मिलेंगे इस टीम में। बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट इस मैच की बैटिंग ऑड्स जरूर निकल कर आ गई है और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहां पर जीत होने वाली टीम NXT की, इसके बाद आती है टीम रॉ एंड सबसे कम चांसेस है स्मैकडाउन की टीम की। और मैं भी यहां पर बैटिंग ऑड्स के साथ ही जाना चाहूंगा, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में जीत होने वाली है टीम NXT की। इसके अलावा बात करें अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डिफेंड ब्रे वाइट वर्सेस डैनियल ब्राइन के बीच। और यहाँ पर बैटिंग ऑड्स में काफी ज्यादा आगे है दी फिंड, और मैं भी यहाँ से अपना विनर चुनता हूँ दी फिंड को, कि वो इस मैच में हराने वाले हैं डैनियल ब्राइन को एंड रिटेन कर जाएंगे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इसके पीछे कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है, बस यही है कि चैंपियन फिंड है जो कि हाल ही में चैंपियन बने, और हम सब जानते हैं वो इतनी जल्दी चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। इसके अलावा बात करें अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है मेंस सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि होगा रॉ वर्सेस NXT वर्सेस स्मैकडाउन के बीच। और रॉ में इंक्लूड है कैप्टन सेथ रॉलेंस, ड्रू मैकइंटायर, रिकोसे, केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन। स्मैकडाउन की तरफ से कैप्टन है बैरन कॉर्बिन, जो कि पहले रोमन रेंस थे, बट बैरन कॉर्बिन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा उस टीम में रोमन रेंस, शॉर्टी जी, मुस्तफा अली एंड ऑफ कोर्स मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। बट कोई नहीं, इस मैच में रोमन कैप्टन की तरह काम करने वाले, जो कि हम सब ने इस वीक के स्मैकडाउन में देख ही लिया था। भले ही ऑफिशियली कैप्टन बैरन कॉर्बिन हो और NXT की टीम अभी तक रिवील नहीं हुई है, जो कि शायद सर्वाइवर सीरीज से पहले हो जाएगी, या फिर क्या पता सर्वाइवर सीरीज के दिन ही हमें पता चलते हुए दिखे और बैटिंग ऑड्स सामने आ चुकी है। तो बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चांसेस है कि इस मैन सर्वाइवर
सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन ट्रिपल थ्रेट मैच में जीत होने वाली है टीम स्मैकडाउन की, उसके बाद आती है टीम रॉ एंड सबसे कम चांसेस है टीम एनएक्सटी की। और बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की तो यहाँ पर एनएक्सटी की भी जीतने के अच्छे खासे चांसेस है, बट मैं यहाँ से चुनता हूँ टीम स्मैकडाउन को। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है स्मैकडाउन पिछले 2 साल से हारते हुए आ रही है, तो क्या पता इस बार उनकी लूजिंग स्ट्रीक टूट जाए। और लास्ट मंथ स्मैकडाउन ने अपना डेब्यू भी किया था फॉक्स नेटवर्क पर, इसलिए कह सकते हैं इस मैच में स्मैकडाउन के जीतने के अच्छे खासे चांसेस है। और होपफुली इस मैच में हमें काफी सारे सरप्राइजेस भी देखने को मिल सकते हैं जो कि हम सब ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि जैसा कि ट्रिपल एच सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवंस को रॉ में बोले थे उनको एनएक्सटी ज्वाइन करने के लिए, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, तो क्या पता हमें सर्वाइवर सीरीज में ही ऐसा कुछ होते हुए दिखे, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में जो कि हमें देखने को मिलने वाला है, एक नो होल्ड बार्ड मैच WWE चैंपियनशिप के लिए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस 619 रे मिस्टीरियो के बीच। अब बात करें बैटिंग ऑड्स की, देन बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग इस मैच में ब्रॉक लेसनर हराने वाले रे मिस्टीरियो को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप। लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है ये एक नो होल्ड बार्ड मैच है, तो क्या पता यहाँ पर हमें किसी की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए। और जैसा कि मैंने आप सबको कहा भी था इस मैच में रे मिस्टीरियो के हेल्प करने के लिए कोई आ भी सकता है, जैसे कि केन वेलास्केस या फिर उनके सन डोमिनिक। इसलिए अगर WWE हमें इस मैच में सॉक करना चाहती है देन हो सकता है इस मैच में जीत हो जाए रे मिस्टीरियो की, क्योंकि हम सब जानते हैं पूरे कार्ड में अगर WWE इस मैच में टाइटल चेंज करवाना चाहती है देन यहाँ पर वो रे मिस्टीरियो को चैंपियन बना भी सकती है, क्योंकि ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा कि सर्वाइवर सीरीज में हमें कोई भी टाइटल चेंज देखने को नहीं मिला। और बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मुझे यहाँ पर 49% लगता है जीत होगी रे मिस्टीरियो की एंड 51% ब्रॉक लेसनर की। इसलिए मैं यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के साथ जाता हूँ और चुनता हूँ ब्रॉक लेसनर को, और मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। इसके अलावा आप सबको पता ही है आप सबको अपनी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट करके बतानी है, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।